हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्री 2019 का एग्जाम और हो चुका है। इससे एक सप्ताह पहले आपका आईबीपीएस आरआरबी स्केल वन का एग्जाम हुआ, और आई थिंक जिन भी बच्चों ने क्लर्क का दिया होगा उन्होंने पीओ का भी दिया होगा। काफी मतलब बड़ी संख्या ऐसी होगी जो दोनों में कॉमन होगी। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्होंने पीओ का तो दिया लेकिन क्लर्क का नहीं दिया, बट काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कॉमन दिया। तो अब उनके दिमाग में यह है कि अब वो अपनी स्ट्रेटजी प्रिपरेशन की कैसे रखे कि रिजल्ट कब आएगा, और वो क्यूरियोसिटी इसलिए रहती है एक तो कि भाई हमें क्रैक हुआ या नहीं हुआ, और देन साथ ही ये रहता है कि जितना जल्दी रिजल्ट आ जाए हम अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी बनाए। बट एक चीज मैं आपसे को बताना चाहूंगा कि दो तरह के बच्चे होंगे इसमें। जैसे अगर अपने आईबीपीएस से क्लर्क का देखें तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका अराउंड 60 ही अटेम्प्ट करके आए हैं। मैं जनरल कैटेगरी के बच्चों की चर्चा करूंगा, और अकॉर्डिंगली आप अपना जैसे जनरल के जो भी हैं उसे 2-3 मार्क्स आप नीचे ले आइए, आप अपने ओबीसी को उसे 2-3 नीचे, आपका एससी देन एसटी ईडब्ल्यूएस ये सब अकॉर्डिंगली आप अपना अंदाजा उसे लगा सकते। तो जिन बच्चों ने इसमें 60 के अराउंड ही अटेम्प्ट किया है क्लर्क में, या 45 के अराउंड किया है पीओ में, तो उन बच्चों में बहुत संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको ये मानना चाहिए कि भी उनका भी कुछ नॉर्थ से इसके स्टेट्स को अगर अपने छोड़ दें तो उनकी पॉसिबिलिटी सिलेक्शन की ना के बराबर, राइट। तो वो अपनी स्ट्रेटजी बनाए अपकमिंग एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। अपकमिंग एग्जाम आपकी बड़ी बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, राइट। तो आप इनकी स्ट्रेटजी बनाएं, तो इनकी स्ट्रेटजी के लिए आपने एक सर्टेन लेवल की क्वांट एंड रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रखी, तो आप इंग्लिश की प्रिपरेशन शुरू करें, और साथ ही थोड़ा थोड़ा टाइम जीए के लिए देते रहें, जीए में करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स आप जो शुरू करें वो करें जून एंड ऑनवर्ड, जून एंड ऑनवर्ड, राइट। फिर जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनका क्लर्क में अगर अपने देखें क्लर्क में उनका 70 के अराउंड उन्होंने अटेम्प्ट कर लिए, या उन्होंने पीओ में भी 50 प्लस अटेम्प्ट कर लिए, तो उनके मन में संशय है, ओबियस है उनके मन में संशय है कि वो होंगे या नहीं सेलेक्ट, राइट। जब भी आपका रिजल्ट आएगा फाइनल के लिए, आपको मेन एग्जाम के लिए आपको 3 हफ्ते से ज्यादा का टाइम कभी नहीं मिलता है, और 3 हफ्ते में तो पूरी प्रिपरेशन होती नहीं। तो ये जो बचा हुआ पीरियड है ये भी आप ये मान के चलो कि करीब करीब आपका आधा टाइम ये बच जाए, कम से कम 15 से 20 दिन से कम जल्दी रिजल्ट कोई नहीं आता, तो 15-20 दिन का टाइम काफी बड़ा टाइम होता। तो इस टाइम में फिर वो बच्चे क्या करें जिनका जो अदर जोन में या जो बॉर्डर लाइन पे 70 के अराउंड वहां किए हैं, पीओ में भी 50 प्लस किए, तो वो बच्चे क्या करें। तो मैं तो उनको ये सलाह दूंगा कि आपने क्वांट जिस भी बच्चे ने भले कैसा भी पेपर आया है, सिंपल पेपर आया तो भी जिसने 70 या 70 प्लस जिसने अटेम्प्ट किए हैं उसकी प्रिपेरेशन है, डेफिनेटली है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं है कि वो अपने अटेम्प्ट को 75 नहीं ले जा पाए, लेकिन 70 अटेम्प्ट भी 45 मिनट में बिना प्रिपरेशन के कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने एक चीज देखी है कि आपकी क्वांट और रीजनिंग में ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा होगा जिससे इन्होंने पूछा नहीं होगा, राइट। हाँ, लेवल उसका नीचा है बट पूछ तो सभी कुछ लिया ना, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन तो कुछ है ही, जो 45 मिनट में आप 70 क्वेश्चन तक आपने अटेम्प्ट कर लिया, राइट। सो आप क्या करें क्वांट और रीजनिंग में, क्वांट में और रीजनिंग में तो क्या करें, रीजनिंग में पजल्स जो है उन पे थोड़ा सा फोकस करें, क्वांट में डीआई पे फोकस करें, राइट। इस पीरियड जो ठीक लेवल की जो डीआई, जो मेंस लेवल के डीआई जिनको अपन कहते हैं, क्योंकि मेंस लेवल की डीआई उससे क्या होगा, जैसे डीआई और पजल आप ठीक लेवल की प्रैक्टिस करेंगे तो यहां आपका सिलेक्शन हो गया वेल एंड गुड, मेन में आपको जरूरत होगी। और अगर यहां सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी जो आगे की आपकी आईबीपीएस पीओ या क्लर्क के लिए जो अप्लाई करेंगे तो उसमें प्री में भी थोड़ी सी इससे बेटर पजल और आपको डीआई देखने का मिलेगा। अल्टीमेटली आप प्रिपरेशन किसके लिए कर रहे हैं, मेन के।
दूसरा क्या है कि आप एक लेवल की डीआई और एक लेवल की पजल जब आप सोल्व करने लग जाएंगे तो जो कम लेवल की डीआई और पजल आएंगी उनमें आपको टाइम कम लगना शुरू हो जाएगा, राइट। साथ ही क्वांट में जो टॉपिक्स मिसलेनियस अर्थमेटिक में आपके कमजोर है आप उनको स्ट्रॉन्ग, और सेम थिंग विद रीजनिंग, रीजनिंग में भी जिन टॉपिक्स पे आप ले वो लॉजिकल रीजनिंग है या वो आपका कोई दूसरा टॉपिक है जिसमें आप पुअर हैं उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए। साथ ही यहाँ पे जून एंड ऑनवर्ड करंट अफेयर्स पे फोकस करें। करंट अफेयर्स से आजकल ऑनलाइन दुनिया भर की चैनल से जहाँ से आपको वीडियो रोजाना के मिल जाते हैं, और वीकली देख ले, आप डेली नहीं देखना चाहे तो वीकली ले प्रिपेयर कर ले, कोई भी रोजाना का नहीं करके वीकली जो एक वीक का जो पूरा है जैसे आपने, और स्टार्टिंग करें जून एंड ऑनवर्ड, जून से शुरू करें जून एंड ऑनवर्ड, फिर आप आगे चलते रहे, क्योंकि करंट अफेयर्स का हर एग्जाम में बैंकिंग सेक्टर के 2/3 इसी का आ रहा है, तो करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस कर लें, और जून का फिर जुलाई का फिर अगस्त का, इस तरीके से आप जून से शुरू करके अगस्त, तो इससे क्या होगा अगर आपने ये एग्जाम क्रैक कर लिया तो भी ये काम आ गया आपका, अगर आप नहीं भी कर पाए ये एग्जाम तो भी जो आईबीपीएस पीओ या क्लर्क में से अगर कोई भी एग्जाम आप क्रैक करेंगे तो ये जून एंड ऑनवर्ड लास्ट 6 मंथ का तो ऑब्वियस है पूछते ही है, तो ये जून वाला आपके वहां भी व्यस्त नहीं जाएगा, राइट। सेकंड आपका जिन बच्चों ने इंग्लिश लिया है और जो इसमें आ रहे हैं कि जिन्होंने इंग्लिश तो उनके सब्जेक्ट है हिंदी के बजाय इंग्लिश है उनके जैसे सब्जेक्ट ऑप्ट किया है उनको जो मेंस में जो जिसमें अपीयर होना है आइदर हिंदी और इंग्लिश, तो जो बच्चे इंग्लिश में है उनको तो कहीं इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं भाई, अगर वो आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क दोनों ही एग्जाम्स में भी रह जाते हैं अल्टीमेटली उनको आईबीपीएस क्लर्क और पीओ का एग्जाम देना देना तो इंग्लिश ही डिफरेंस क्रिएट करेगा, इवन प्री में भी आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करने वाला है वो करने वाला इंग्लिश, तो आप इंग्लिश के साथ साथ प्रिपरेशन अब शुरू कर दीजिए, राइट। जिन बच्चों ने हिंदी लिया वो एक बार इस हिंदी वाले सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम भले ना, क्योंकि बाय द वे अगर उनका आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क में सिलेक्शन नहीं हो पाया प्री में तो ये हिंदी की प्रिपरेशन उनकी अपकमिंग एग्जाम में काम नहीं आएंगी, और जो 3 हफ्ते का टाइम मिलेगा अब दूसरे जैसे आपने जनरल अवेयरनेस को भी टाइम दे दिया, क्वांट रीजनिंग के भी जो एडवांस टॉपिक्स है उनको दे दिया, तो आपके पास बहुत ज्यादा फिर करने के लिए नहीं बचा, फिर आप और अगर आप जो इंग्लिश वाले जो बहुत बड़ी क्राउड है जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश भी प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हिंदी वाले रहेंगे उनके पास क्या करेंगे वो फिर बचे हुए टाइम में जो 3 वीक के आसपास का आपको टाइम मिलेगा उसमें हिंदी और कंप्यूटर को वो उस वक्त के लिए रख लें। ये कौन से बच्चे हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन होने की संभावना थोड़ी बहुत जरूर है, बहुत ज्यादा नहीं, उनकी जो बच्चे जिन बच्चों ने क्लर्क में 75+ और यहां अराउंड 60 किया है अटेम्प्ट और जिनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है वो अपनी स्ट्रेटजी ओबियस है फाइनल मेन के हिसाब से ही करें, क्योंकि उनका वेस्ट कुछ नहीं जाना, जैसे वो मेन के लिए क्या करेंगे जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश प्रिपेयर करेंगे, कंप्यूटर प्रिपेयर करेंगे और आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस तो सभी टाइप के बच्चों को करना ही करना है, और क्वांट और इसके रीजनिंग के डीआई एंड पजल्स करेंगे, तो वो कुछ भी वेस्ट जाने वाला नहीं है। हिंदी जो वो प्रिपेयर करेंगे थोड़ी बहुत वो अगर वेस्ट जाएगी तो इतनी रिस्क उनको लेनी पड़ेगी क्योंकि वो सिलेक्शन के बहुत नजदीक है, राइट। और उनको कंप्यूटर को भी अब रेगुलर थोड़ा थोड़ा टाइम दे देना चाहिए, तो इस तरह की आप अपनी स्ट्रेटजी रखें इस टाइम के लिए, मतलब आप वे इस चीज के लिए बैठे नहीं रहे कि भाई मेरा रिजल्ट आएगा फिर मैं प्रिपरेशन करूंगा, या रोज आप जैसे अपने फ्रेंड को फोन कर रहे हैं तब ये चर्चा कर रहे हैं, किसी और से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं तब ये कि रिजल्ट कब आएगा, आप इसके लिए वरी ना करें, रिजल्ट आ जाएंगे। आई थिंक के आरआरबी पीओ का रिजल्ट आपका अगस्त एंड में आना चाहिए, सितंबर फर्स्ट वीक में आना चाहिए, जैसे अगर अपना प्रीवियस रिकॉर्ड भी अगर पिछले साल का अपन 2018 का देखें आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का अगर मैं चर्चा करूं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क कब का 2018 का, तो इसकी जो प्री की एग्जाम जो कंडक्ट हुई थी लास्ट वो
1825, आई थिंक 18 को तो नहीं हुई थी, 1925 दो दिन हुई, बट जो भी है 25 अगस्त को लास्ट एग्जाम था, राइट। और इसका जो रिजल्ट आया आपका वो आ गया था 14 सितंबर, राइट। और मेन एग्जाम इसका जो शेड्यूल्ड था या जो हुआ अल्टीमेटली वो हुआ 7 अक्टूबर। तो यहां आप देखोगे कितना 3 वीक्स टाइम आपको यहां मिला है, राइट। इस साल अगर आप अपने एग्जाम्स का देखें तो 17th एंड 18th को एग्जाम होगी, राइट। और मेन एग्जाम जो आपका है वो 29 सितंबर का है। तो आप देखोगे कि यहां भी एग्जाम भी 1 वीक पहले हुई है खत्म, और मेन एग्जाम भी करीब करीब भी 7-8 दिन, 1 वीक या 1 वीक से थोड़ा ज्यादा ही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपने देखें तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर जो है वो आपकी एग्जाम के रिजल्ट का रहने वाला है। अब इसमें फर्स्ट वीक का जो भी आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे आएगा उसको आपको रिजल्ट इसका मिल जाना चाहिए, उम्मीद यही है। और क्योंकि बहुत आगे वो इसलिए नहीं लेके जाएंगे कि आगे 29 सितंबर को उनको मेन एग्जाम भी कंडक्ट करवानी है, और इससे जल्दी भी वो इन जनरल नहीं देते हैं, 2-3 हफ्ते का टाइम, 3 हफ्ते के करीब वो ले ही लेते हैं टाइम। तो आप अपने रिजल्ट का तो ये मान के जाइए कि चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, और उसमें भी एंड की तरफ 5 से लेकर 6-7 तारीख के बीच में जो भी कोई फ्राइडे सैटरडे उनको शूट कर रहा होगा वहां वो इसको रिजल्ट को दे देंगे, राइट। और उससे करीब करीब 1 वीक पहले आई थिंक एंड ऑफ दिस मंथ अगस्त पीओ का भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन इस जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, जो टेम्पो आपका बन गया है एक बार इसकी स्टडी के लिए, उसको मत रोकिए और इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि 3 वीक्स का जो टाइम है वो इतने बड़े कॉम्पिटिशन में छोटा रहेगा। सो ये जो 2-3 वीक का टाइम आपके पास है उसको उसी स्विंग में यूटिलाइज कीजिए, और इस तरह से यूटिलाइज कीजिए कि अनफॉर्चुनेटली आप इन दोनों ही एग्जाम्स में नहीं भी क्रैक कर पाते हैं इनको, तो बड़ा लॉस कोई नहीं रहे। जो प्रिपरेशन आपने की है वो आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ का जो अपकमिंग एग्जाम है, आई थिंक उसके फॉर्म्स वगैरह भी पीओ के लिए तो आपने फिल कर दिए होंगे, तो उसमें आपको ये काम आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।